यूट्यूब पे अगर कुछ सीखना चाहते हो ना दोस्तों, तो भाई को फॉलो करो, रियल में फॉलो करो। अगर यूट्यूब से कुछ सीखना चाहते हो तो पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 30-30 सेकंड की वीडियो पर, एक वीडियो थी 30 सेकंड की, दूसरी भी 30 सेकंड की थी और तीसरी थी 44 सेकंड की। 44 सेकंड की वीडियो पर मैंने 2500 घंटे का वॉच टाइम जनरेट किया। वो प्रूफ मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर उस चैनल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर मैंने 2500 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया था, और उसके अलावा अलग एक अदर वीडियो से मैंने 4000 घंटे और वो 2500 मिलाकर कुल टोटल 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया था। फिर चैनल को फाइनली मैंने अंडर रिव्यू में भेजा, तो बाकी सब डिटेल आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, तो आपको पूरा प्रूफ यहाँ पर देखना है कि चैनल भी मोनेटाइज हुआ है और कैसे करके हुआ है, किस तरह से करके हुआ है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि चैनल के ऊपर से 400 घंटे का वॉच टाइम भी ड्रॉप हो गया था, फिर भी भाई का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करने के बाद में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया जाता है, लेकिन वो सारी टेंशन मेरी रहती है दोस्तों। तो वीडियो के अंदर ज़्यादा बात नहीं करते हुए, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है यहाँ पर, और वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो, लास्ट तक देखते हो, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कुछ साइंस के बारे में पता लगेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा, और यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में आपको पता लगेगा कि यूट्यूब एल्गोरिथम एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो आपका भाई भी अपनी बनाई गई थ्योरी पे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल से सक्सेसफुली मोनेटाइज कैसे यूट्यूब चैनल को कराना होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सीख चुका हूँ और आपके सामने सारे प्रूफ लेकर आता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर बोलकर भाग जाता हूँ, नहीं दोस्तों, मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता हूँ जिन वीडियो के बारे में मैं शुरू में आपको यानी स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुल 30 सेकंड की दो तीन वीडियो थी मेरे पास में, और उन 30-30 सेकंड की वीडियो पर मैंने वॉच टाइम दिया था दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है, तो उसके लिए मैं आपको प्रूफ पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कुल 30 सेकंड की वीडियो पर मैंने 4000 घंटे के आसपास का वॉच टाइम यहाँ पर जनरेट करके दिया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस चैनल को ओपन करता हूँ, ये यूट्यूब चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है, ब्रेकिंग न्यूज़ ओनली के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। तो सिंपली इसके YouTube स्टूडियो में मैं जाता हूँ और YouTube स्टूडियो में जाके आपको मैं पूरा प्रूफ दिखाता हूँ, ये भी दिखाऊंगा कि 30 सेकंड की वीडियो पर कितना वॉच टाइम आया है और चैनल फाइनली मोनेटाइज भी हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए, वेलकम टू YouTube पार्टनर प्रोग्राम वालों का ये मैसेज आया है यहाँ पर, ठीक है, अप्रैल 18, 2023, मतलब 18 अप्रैल को ये YouTube चैनल फाइनली मोनेटाइज हुआ है। और आप देख सकते हैं 1262 सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर इनके पूरे थे, इनको मैंने वॉच टाइम दिया और 30 सेकंड की वीडियो पर वॉच टाइम दिया। जिन वीडियो पर वॉच टाइम दिया है मैंने, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फिर से, जो कि मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। तो वो 30 सेकंड वाली वीडियो कहाँ है, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वो तीन वीडियो हैं जिन पर ये आप देख सकते हैं 30 सेकंड और 44 सेकंड। मैं आपको इस वीडियो का एनालिटिक्स ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, 30 सेकंड की ये वीडियो है मात्र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 815 घंटे का वॉच टाइम, ठीक है, यहाँ पर एक प्रूफ है। इसके अलावा मैं बैक जाता हूँ और फिर से आपको एक और वीडियो का दिखाता हूँ यहाँ पर मैं प्रूफ, थोड़ा सा आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, ये वाला किसी का भाई किसी की जान, ये वाला इनका टाइटल है, ये 30 सेकंड की वीडियो है, इसका एनालिटिक्स ओपन करता हूँ और फिर 808 घंटे का वॉच टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले 0 था और फिर 0 से सीधा मैंने यहाँ पर 806 और 808 घंटे का वॉच टाइम यहाँ पर आया, 8 और 8 16 घंटे का वॉच टाइम 30 सेकंड की वीडियो पर आ चुका है, और 8 या 24 के लगभग, मतलब 2400 घंटे के आसपास मैंने इस वीडियो से पूरे किए हैं। अब एक वीडियो ये है 44 सेकंड की, इसका वॉच टाइम मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए 826 घंटे का वॉच टाइम इस वीडियो पर आया, ठीक है। तो कुल मिलाकर लोग बड़े यूट्यूबर बोलते हैं ना कि भाई बड़ी बड़ी वीडियो डालो तभी आपका वॉच टाइम जनरेट हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत छोटी से छोटी वीडियो पर भी आप वॉच टाइम ले सकते हैं। तो 44 सेकंड की ये वीडियो है और इस पर 826 घंटे का वॉच टाइम है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन तीन वीडियो पर, एक मिनट से कम की तीन वीडियो पर मैंने वॉच टाइम जनरेट करके दिया, 1, 2, 3, ये 30 सेकंड की है, ये 30 सेकंड की है, ये वाले 44 सेकंड की है। तो 2500 घंटे के आसपास मैंने यहाँ से दिया, और बाकी इनका जो वॉच टाइम है वो थोड़ी थोड़ी और वीडियो से आया जो कि लॉन्ग वीडियो थी। चलिए खैर, ये तो सब हो गया। अब डैशबोर्ड पर आप यहाँ पर वापस देख सकते हैं कि यहाँ पर चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। अब फिर से इनके कॉन्टेंट में मैं जाकर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी वीडियो का मोनेटाइजेशन अभी तक इनेबल मैंने यहाँ पर नहीं किया है। अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर का सिंबल नहीं है। अब मैं जाऊँगा अर्न वाले पेज पर, अर्न वाले पेज पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए इनका जो मोनेटाइजेशन है वो फाइनली मोनेटाइज यहाँ पर इनका यूट्यूब चैनल हो चुका है, लेकिन मैंने वीडियो का मोनेटाइजेशन यहाँ पर अभी इनेबल नहीं किया है। तो सिंपल यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ, टर्न ऑन करता हूँ,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच पेज मोनेटाइजेशन मॉड्यूल, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, आई एक्सेप्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। उसके बाद में दोस्तों इन साहब के यूट्यूब चैनल को मैं सारी वीडियोस को मोनेटाइज करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा प्रूफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू रिव्यू यू आर एड डिफॉल्ट्स, यहाँ पर ये तीन ऐड की डिटेल्स दिखाई गई हैं कि ये तीन ऐड चलेंगे इनकी हर एक वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करता हूँ, मोनेटाइज यू आर एक्साइटिंग वीडियोज़, यानी सारी वीडियोस को यहाँ मोनेटाइज करने का ऑप्शन आ रहा है, मोनेटाइज ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फाइनली इनकी जो भी यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोस हैं वो मोनेटाइज हो जाएंगी। बाकी ये सुपर्स और शॉर्ट फीड को खुद ही इनेबल कर लेंगे, सारा काम तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बाकी का खुद का ये काम कर रहे हैं, जितना मैं यहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही है उतना मैं अपना काम करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉन्टेंट में मैं जैसे ही जाता हूँ तो इनकी वीडियो जो है वो सारी मोनेटाइज हो चुकी होंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी वीडियो दोस्तों, जितनी भी इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाली हैं वो सारी यहाँ पर फाइनली मोनेटाइज हो चुकी हैं। और कुल 30-30 सेकंड की वीडियो पर मैंने इनका जो वॉच टाइम है वो जनरेट करके दिया है दोस्तों, और चैनल फाइनली इनका मोनेटाइज भी हो चुका है। अब मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ दोस्तों, इनका जो एक स्क्रीन शॉट आया था मेरे पास में, इनका यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही लोगो है और इनके 1262 सब्सक्राइबर थे, ठीक है, और इनका जो वॉच टाइम है दोस्तों ड्रॉप हो गया था, 3674 घंटे बचा था, यहाँ से लगभग 400 घंटे के आसपास, यहाँ पर 300 कुछ घंटे के आसपास यहाँ से ड्रॉप हो चुके थे। आप यहाँ पर माइनस देख सकते हैं, 4000 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर 3674 घंटे का वॉच टाइम यहाँ पर रह गया था, लेकिन फिर भी चैनल दोस्तों मोनेटाइज हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो बातें आपको बताई हैं, अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है तो भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो सकता है, 100% हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको आपका YouTube चैनल का जो स्टेप टू है वो डन कराना पड़ता है। अगर आप फ्यूचर में इसको डन करा लेते हैं उसके बाद में आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है स्टेप टू को डन कराने के बाद में, और अंडर रिव्यू से आपका चैनल बाहर आ जाता है इस तरह से जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो भी आपका YouTube चैनल 101% मोनेटाइज हो जाता है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका स्टेप टू डन रहेगा और आपका YouTube चैनल अंडर रिव्यू में चला जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए और बाहर आ जाता है उसके बाद में वो उस टाइम से ड्रॉप होकर आपका यूट्यूब चैनल, तो भी चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाता है। इनके जो है 1262 सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, अब इनके कितने सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर 1262 थे, 1262 यहाँ पर प्रूफ मौजूद है। तो इन फ्यूचर दोस्तों अगर आप अपना यूट्यूब चैनल, मैं आपको बता रहा हूँ, 500 सब्सक्राइबर पर भी मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो वो मैं आपको 100% करके दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट है या फिर भी मुझसे 1000 सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। कुल मिलाकर आपका YouTube चैनल अगर मेरे पास में आता है किसी भी वर्क के लिए तो यहाँ से वो मोनेटाइज होके जाएगा ओनली 5 डेज के अंदर, सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपका यूट्यूब चैनल किसी भी कंडीशन में हो दोस्तों वो मोनेटाइज करके दूंगा। पहले इस पर वॉच टाइम दूंगा और फिर आपको जितने सब्सक्राइबर चाहिए, मान लो 500 सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, उसमें आपके पैसे भी बचेंगे, तो 500 सब्सक्राइबर में ही मैं आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करके दूंगा जैसे कि मैंने इन साहब के यूट्यूब चैनल को किया है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दिखा दी है कि यहाँ पर जो चैनल मोनेटाइज हुआ और कैसे मैंने किस तरह से करके यहाँ पर वॉच टाइम दिया चैनल के ऊपर, और कुल 1 मिनट से कम की वीडियो पर मैंने वॉच टाइम जनरेट कर दिया और कंप्लीट 4000 घंटे होने के बाद में चैनल अंडर रिव्यू में गया और फिर बाहर आ गया और फिर फाइनली ऑटोमेटिकली ही मोनेटाइज हो गया है। तो इन फ्यूचर अगर आपको अपने YouTube चैनल मोनेटाइज कराना है, आप सालों से परेशान हैं, तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम का और अपना एक कॉलिंग नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप अपने YouTube चैनल को फाइनली मुझसे 5 दिन या 4 दिन के अंदर मोनेटाइज करा सकते हैं। साथ में ये एक पैकेज और मैं आपको बता देता हूँ, जिस भाई को कुल 500 सब्सक्राइबर पर ही अपना YouTube चैनल मोनेटाइज कराना है तो वो फाइनली गारंटी मैं यहाँ पे आपको करके दे सकता हूँ, गारंटेड दोस्तों। तो अगर आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, 500 सब्सक्राइबर हैं, 500 से थोड़ा कम भी है, तब भी चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। कुल 4000 घंटे का वॉच टाइम यहाँ पर मैं दूंगा, अगर वॉच टाइम भी ड्रॉप हो जाता है अंडर रिव्यू में भेजने के बाद में, तो फाइनली आपका YouTube चैनल मैं मोनेटाइज करके दूंगा उसी टाइम पर जिस टाइम पर मैं आपको वादा करता हूँ। तो खैर, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।